कि कॉन्सेप्ट लाइफ एक नया ब्रांड नेम जरूर है, बट दो बड़ी कंपनियां सम्यक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है, 2013 से कंपनी चल रही है, 25 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, इंडिया के काफी स्टेट्स में इसकी ब्रांचेस हैं और एजुकेशन में काफी अच्छा काम कर रही है, प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि 22 साल से ज्यादा से चल रही है इस समय और बीकानेर हनुमानगढ़ नागौर जैसे एरियाज में है, काफी टाइम से आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करा रही है, फाउंडेशन की तैयारी करा रही है और बहुत ही सक्सेसफुली अपने फाउंडेशन को एग्जीक्यूशन दे रही है। इन दोनों कंपनियों ने प्लस गिरीश गोयल जी जो आपके सामने है जिनका की बहुत अच्छा एयरटेल एंड टीसीएस का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब तीनों लोगों ने मिलकर के जो कि हम बेसिकली हम कॉलेज पार्टनर से कॉलेज फ्रेंड्स से जहाँ पे हम एक साथ ही हमने इंजीनियरिंग करी, हम तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा से इंजीनियरिंग करके निकले हैं, वहां से निकल के 20-21 साल से अपना अपना काम कर रहे थे, तीनों किसी गेट टुगेदर में मिले और हमने सोचा क्यों नहीं कुछ यूनिक किया जाए, डिफरेंट किया जाए, कोविड एरा के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिसके लिए कि कुछ डिफरेंट सा हो जाए, तो उसकी हम बात करने वाले हैं अभी। अगर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं अबाउट द कंपनी सम्यक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इट्स एन आईटी कंपनी एज द नेम सजेस्ट, सम्यक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो आईटी कंपनी है, 250 से ज्यादा हम कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं। व्हेन आई से कंप्यूटर कोर्सेज, आप चाहे टैली ले लें, चाहे एक्सेल ले लें, चाहे डिजिटल मार्केटिंग ले लें, चाहे वेब डिजाइन ले लें, चाहे आप पाइथन ले लें, चाहे आप ग्राफिक्स ले लें, चाहे आप ऑटोकैड ले लें, एनीथिंग व्हाट एवर यू टॉक अबाउट, वो सारे के सारे आईटी कोर्सेज हम ऑलरेडी कर रहे हैं, 25 से ज्यादा ब्रांचेस हमारे पास ऑलरेडी है, 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क कर चुके हैं या वर्क कर रहे हैं। व्हेन आई से 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, इसका क्या मतलब हो गया कि आपको वेब डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट पे काम करना हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे काम कराना हो, लंदन के लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, हम यूएस के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इतने लोगों के साथ ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं और 22 से ज्यादा इंटरनेशनल एफिलिएशन। व्हेन आई से इंटरनेशनल एफिलिएशन, इट कैन बी ऑटोडेस्क, इट कैन बी अडोब, इट कैन बी गूगल, इट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट, इट कैन बी एप्पल, सो ऑल ऑफ देम आर अवर इंटरनेशनल एफिलिएशंस। और अगर आप देखेंगे हमारी वेबसाइट अगर आप अलग से ब्राउज करना चाहें तो इट इज www.samyakinfotech.com। सो दिस इज अ कंपनी विच इज अ इंपॉर्टेंट पार्टनर कंपनी इन दी क्रिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट लाइफ। अनदर इंपॉर्टेंट कंपनी इज जो कि ऑलरेडी जो काम हम करने जा रहे हैं उसको काफी सालों से 22 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर के ऑलरेडी इस काम को करते आ रहे हैं, उन्होंने 11,500 से ज्यादा टोटल सिलेक्शन वो दे चुके हैं, मतलब नई कंपनी नहीं है कि जिसने उठे और कंप्यूटर पे आकर के पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको बच्चों को लेक्चर डिलीवर देना शुरू कर दिया, ट्यूशन देना शुरू कर दी, 11,500 से ज्यादा सिलेक्शन ये दे चुके हैं जिसमें से 1200 से भी ज्यादा आईआईटी में सिलेक्शन है और इनकी 5 से ज्यादा ब्रांचेस हैं हनुमानगढ़ नागौर बीकानेर कई सारी जगहों पे। 360 डिग्री सॉल्यूशन, जो हमारे एकेडमिक डायरेक्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र बिट्टा, उनकी सोच ये है कि सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने से बच्चे का करियर नहीं बन जाता है या बच्चा पढ़ने लायक नहीं हो जाता है, हमको उस स्टूडेंट को 360 डिग्री नर्चर करना पड़ेगा। उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है कि साहब एग्जाम फियर है, उसको फेवरिश हो जाता है, उसको परेशानी होने लग जाती है, उसको मोटिवेशन लो हो रहा है या फिर वो किसी भी चीज से डर रहा है या मोबाइल को ज्यादा यूज कर रहा है, तो वहां सब जगह भूपेंद्र मिट्टा जी की अपनी टेक्निक से अपने तरीके हैं, वो हर अल्टरनेट संडे पे आकर के खुद मास्टर क्लासेस देते हैं लाइव, जिसके आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं और वो इन चीजों को करा रहे हैं, तो वो सब 360 डिग्री सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इट इज नॉट ओनली एकेडमिक, इट इज मोर देन दैट। Then 950 plus NEET selections. So when I said 1200 plus IIT, it was all about engineering. When I say 950 plus NEET, it is all about medical. So engineering और medical दोनों foundations पे हम काम कर रहे हैं। ये हम तीनों के बारे में आपने ऑलरेडी ये देखा है कि ये मैं हूँ, ये गिरीश जी हैं, ये भूपेंद्र जी हैं, हम तीनों मिलकर के इस अपॉर्चुनिटी को लेके आए हैं आपके लिए, अभी देखते हैं आगे कैसे रोल आउट होती है। प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉब्लम एरियाज जो हम लोगों ने डिस्कस करिए वो क्या करा कि फिजिकल क्लासेस लर्निंग बिकमिंग रिस्की। आप खुद जानते हैं कि कोविड एरिया में चाहे हमारा बच्चा हो या हम खुद हो, बीच में भले ही हम थोड़े से कैजुअल हो गए थे पर अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ करके देखें तो कहीं ना कहीं हम अटके हुए इस समय कि भाई बच्चे को बाहर भेजें कि नहीं भेजें, हम बाहर जाएं कि नहीं जाएं, जरूरत से जरूरी का काम भी होता है, इवन हॉस्पिटल जाने से हमको डर लगता है, तो आज की तारीख में फिजिकल क्लासेस लेना मतलब सबसे ज्यादा रिस्की काम हो गया, बच्चे नहीं लेना चाहते। एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोस पड़ोस में किसी टीचर को ढूंढ लेंगे, उनसे आप डिस्कस कर लेंगे, किसी व्यक्ति को बोल देंगे कि आप हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो, बट आर यू श्योर कि उनकी क्लासेस अच्छी होगी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्या वो इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का पढ़ा पाएंगे, क्या बच्चा हमारा 10th में 12th में अच्छा स्कोर कर पाएगा, क्या IIT नीट के लिए वो तैयार हो पा रहा है, मे बी नॉट। तो वो कॉन्फिडेंस हमें कहाँ से आएगा, जब हमारे बच्चे को हम
एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की फैकल्टी से क्लासेस दिलवाएंगे। मल्टी टेक्निकल प्लेटफॉर्म फॉर इच स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी बस की ऐप अलग है, उसकी स्टडी की अलग है, उसकी फीस की अलग है, उसकी अटेंडेंस की अलग है। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, एक बच्चा एक कनेक्शन, बट उसकी चार ऐप लेके बैठे हो या वेब लेके बैठे हो और आप खुद कंफ्यूज हो कि भाई इतना सारा सॉल्यूशन हम कहाँ से लेके और कितना ट्रैक करें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको समझ में आई कि मार्केट में, और हमने इसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन निकाल के दिया। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, वर्चुअल लाइव क्लासेस ऑन स्मार्टबोर्ड। देखिए व्हाइट बोर्ड पर सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाते आए, बट जो स्मार्ट बोर्ड का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत यूनिक है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपको सारी चीजों के एनिमेशन भी दिख जाएंगे, आपको जितने भी ग्राफ्स देखने हैं वो दिख जाएंगे, बंदा आपको जो पढ़ा रहा है उसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, और जब आपको वो इंटरेक्टिव तरीके से दिखाता है तो यू स्टार्ट लविंग दैट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो है वर्चुअल लाइव क्लासेस ऑन स्मार्ट बोर्ड लेने का अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एक्सपीरियंस फैकल्टी विद प्रोवन रिजल्ट्स। अब मैंने आपको बताया कि हर किसी एरे के से तो हम नहीं पढ़वा सकते, हमारे बच्चे का करियर का सवाल है, तो व्हाट यू नीड इज समवन हु इज यूनिक, हु इज एक्सपीरियंस्ड, हु इज प्रोवन रिजल्ट्स, कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है ऑलरेडी, उस बंदे को हमको लेके आना पड़ेगा। वेब बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमें देना पड़ेगा, वो हम दे रहे हैं और वो बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, मैं आपको इन सब चीजों के बारे में आगे बताने वाला हूँ। अब हम डायरेक्टली आते हैं कॉन्सेप्ट लाइव प्रोडक्ट्स पे, कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास हैं और क्या क्या प्रोडक्ट को आप मार्केट में दे सकते हैं, ताकि आप स्टूडेंट से या किसी भी क्लाइंट से किस तरह से आपके, हम बेसिकली अर्निंग पे ज्यादा फोकस्ड हैं इस समय, तो हम अर्निंग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, तो हमारे पास कुछ प्लान से उनके नाम हमने ऐसे रखे, कोर एंड अल्टीमेट। व्हेन आई से कोर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें कि बच्चे को दिक्कत आ रही है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स, राइट? जस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया हमारा 6th और 8th के लिए साइंस और मैथ्स, जिसके लिए मंथली फीस अगर हम एक बच्चे की डिसाइड करने जाएंगे मार्केट में तो 5,000 से 10,000 रुपए एक स्टूडेंट की मंथली फीस लगती है, बट हमने उसी फीस को एनुअल फीस में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर हमारा स्टूडेंट 6th क्लास के लिए या 8th क्लास के लिए साइंस पढ़ने जाता है तो ऑन एन एवरेज हम 50,000 से 60,000 रुपए उसकी ट्यूशन फीस दे देते हैं एक साल की। हमने उसको दो सब्जेक्ट की मिलाकर के एनुअल फीस 10,000 रुपए कर दी। तो ऑलरेडी हमने क्या करा, फीस को बहुत ही कम लेवल पे लेके आ गए, ताकि ये बच्चों के लिए अफोर्डेबल सॉल्यूशन हो जाए। कोविड एरा हो चाहे कोई भी एरा हो, कॉस्ट इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम। तो उस कॉस्ट पे सबसे पहले हमने वर्क किया कि कैसे इसको हम इंडिया लेवल पे पहले तो हम उसको लेके जाए, प्लस इंडिया लेवल पे ले जाने के अलावा कैसे उसकी कॉस्ट को इतना कम कर दें कि किसी भी बच्चे को उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो एनुअल फी हमने क्या कर दी, दो सब्जेक्ट की मिलाकर के साइंस एंड मैथ दोनों पढ़ेगा साल भर और सिर्फ 10,000 रुपए का पेमेंट करेगा। मान लीजिए वो बाकी की चीजें भी पढ़ना चाहता है, साइंस मैथ्स इंग्लिश SST और मेंटल एबिलिटी, सारी कोर्सेज मान लो वो करना चाहता है, तो उसको सिर्फ साल की फीस कितनी देनी है, 15,000 रुपए। तो एक स्टूडेंट हमको 15,000 रुपए देगा और उसको हम साल भर 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो इन जनरल अगर आप बात करेंगे वीकली क्लासेस कितनी हो जाएगी इस बच्चे की, तो हर रोज एक क्लास हो रही है, 6 क्लास हो रही है, मतलब हर रोज एक क्लास हो रही है, मतलब साइंस और मैथ्स की अल्टरनेट क्लास हो रही है, तो 6 क्लास हो रही है। अगर वो बाकी के भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो साइंस और मैथ्स की अल्टरनेट हो रही है और बाकी सब्जेक्ट्स की भी अल्टरनेट हो रही है, तो उसकी 12 क्लास एक वीक में हो रही है। ईयरली क्लास की बात करेंगे तो फॉर्मूला आपके सामने है, वीकली टेस्ट उसके कितने होंगे बच्चे के, वो हमने दे दिया आपको। अच्छा, बच्चे को हम नोट्स एंड सम्स भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे को हमने सिर्फ लाइव क्लास दे दी और खत्म हो गया, वो लाइव क्लासेस बात के लिए रिकॉर्डेड भी रहेगी, बच्चे का सेशन मिस हो गया या बाद में वो रिविजन करना चाहता है, रिकॉर्डेड क्लास है, उस क्लास से संबंधित उसके पास PDF नोट्स रहेंगे जिसको मोबाइल में या वेब पे देख सकता है या प्रिंट निकाल सकता है और बच्चा उसको रेफर कर सकता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हाईलाइट कर सकता है। और सम्स, उसको बेसिकली हम असाइनमेंट्स देंगे, तो वो असाइनमेंट्स भी बच्चा उसको पढ़ सकता है और असाइनमेंट्स को भी बच्चा रेगुलरली चेक कर सकता है। डाउट क्लासेस की अगर आप बात करेंगे तो बहुत फ्रिक्वेंटली है, मैं आपको बताऊं डाउट क्लासेस का मार्केट में एक सेपरेट सेगमेंट है, सेपरेट बिजनेस है, जो कि सिर्फ डाउट क्लासेस के लिए ही बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे डाउट क्लासेस बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। जैसे ही बच्चे को डाउट है, हाथ खड़ा करे, क्लास में पूछे और उसको क्लियर आंसर मिल जाएगा। सो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, ये स्लाइड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी की स्लाइड इसकी जैसे सिमिलर है। 6th टू 8th स्टैंडर्ड यानी 6ठी का बच्चा हो या 7वीं का बच्चा हो या 8वीं का बच्चा हो, उसकी साल की फीस 10,000 रुपए है
या 15,000 रुपए। 10,000 रुपए साल में उसको साइंस और मैथ्स पूरे साल पढ़ाएंगे, 15,000 रुपए साल में उसको साइंस मैथ्स इंग्लिश सोशल साइंस और मल्टीपिलिटी पूरा पढ़ाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं नाइन्थ एंड टेंथ की, तो नाइन्थ और टेंथ के लिए यही प्लान सेम टू सेम अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे जहाँ मेंटल एबिलिटी था वहां पे आपका कंप्यूटर साइंस आ जाता है। तो हम वही साइंस एंड मैथ्स बच्चे को साल भर पढ़ा रहे हैं, 10,000 रुपए ले रहे हैं, और यहाँ पे उसको साइंस मैथ्स इंग्लिश सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं साल भर, और 15,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, बाकी सब सेम टू सेम है। तो आप सिक्स टू टेंथ सेम फीस में बच्चे को सारे के सारे सॉल्यूशन वर्ड क्लास लाइव इंक्लूडिंग डाउट्स इंक्लूडिंग नोट्स इंक्लूडिंग असाइनमेंट्स इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज हर चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। 11th एंड 12th में आ जाते तो जहां साइंस मैथ्स हुआ करता था वहां पे साइंस ब्रेकअप हो जाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और स्टूडेंट के पास मैथ्स या बायो का ऑप्शन हो जाता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट तीन हो जाते हैं, तो फीस 10,000 रुपए से 15,000 रुपए सालाना हो जाती है। अगेन आप प्लीज ध्यान रखिएगा, मंथली फीस नहीं है। जनरली अगर अपन किसी भी एलन कैरियर पॉइंट रेजोनेंस या किसी भी अगर ब्रांड से हम बात करते हैं तो उनकी ये फीस ऑलमोस्ट मंथली निकल के आती है उनका ये खर्चा। आज अगर कोई बच्चा कोटा में पढ़ने जा रहा है तो 15,000 रुपए देगा, पर यही कोटा की ब्रांड, ये तीनों फाउंडर्स हम कोटा से हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो कोटा से कनेक्टेड है, कोटा से भी हम क्लासेस दे रहे हैं। तो यही कोटा की क्लासेस हम आपको 15,000 में या 10,000 रुपए सालाना में आपको आपके घर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज फैंटास्टिक। तो 15,000 रुपए हो जाती है और 20,000 रुपए अगर उसको सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो ये हमारा टोटल मेन्यू कार्ड है। अब सिर्फ क्लासेस देने से तो साल भर नहीं निकल जाएगा, हमको रेगुलर अर्निंग चाहिए, रेगुलर अर्निंग के साथ साथ बच्चों को भी रेगुलर सॉल्यूशंस चाहिए। तो रेगुलर सॉल्यूशंस क्या है, तो हम क्रैश कोर्सेज लॉन्च करेंगे। क्रैश कोर्सेज क्या होता है कि रिविजन कोर्सेज की तरह होता है, कि जब हमारा स्टूडेंट जनवरी फरवरी में आता है तो उसको फटाफट से क्विक रिकैप कराने वाला बंदा चाहिए। तो हो सकता है कि हम 10,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए में क्रैश कोर्स लॉन्च कर दें और हम स्टूडेंट्स को 2 से 3 महीने में उस कोर्स को रिवाइज करा दें। तो क्रैश कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में सिग्निफिकेंट बिजनेस वॉल्यूम है, ये हम देने वाले हैं आपको। ओलंपियाड एक सिग्निफिकेंट एग्जाम होता है किसी भी स्कूल के बच्चे के लिए, उसके लिए बच्चे को सेपरेट तैयारी करनी होती है, वो तैयारी भी हम कराने के लिए कोर्सेज लॉन्च करेंगे धीरे धीरे, और उसमें भी बहुत ही रीजनेबल अमाउंट रहेगा, 1,000-2,000 रुपए, और उसमें भी बच्चे को हम वो कोर्स देने वाले हैं। IIT नीट ओरिएंटेड क्लासेस अभी हमने स्कूल्स के लिए चालू की है, बट ट्यूशन जो शाम के लिए है वो हमने चालू नहीं की है। तो IIT और नीट भी हम आपको बच्चे को देने वाले हैं। टेस्ट सीरीज, जैसा मैंने आपको बताया, टेस्ट सीरीज का एक सेपरेट बिजनेस है, जो टेस्ट सीरीज का एक सेपरेट बिजनेस है वो हम भी चालू करेंगे धीरे धीरे। ऑफकोर्स इनकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, हो सकता है 1,000 रुपए ही कॉस्ट हो, उसमें जो हमारा रेगुलर स्टूडेंट है जिसने हमें 10,000-15,000 रुपए दिए उनके लिए सब फ्री है, क्रैश कोर्स फ्री है उसके लिए, ओलंपियाड कोर्स फ्री है उसके लिए, टेस्ट सीरीज फ्री है उसके लिए। पर जो बच्चे उसमें नहीं एडमिशन ले पाए हैं और वो बाद में इन तीनों में से किसी में सेपरेटली भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी हम उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से विद दिस स्लाइड इज कि आपके पास फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। जहां तक हमारी जर्नी की हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट 1999 में लॉन्च हुआ था, जो कि बीकानेर बेस्ड कंपनी है और बेसिकली IIT JEE नीट फाउंडेशन सभी काफी सालों से पढ़ा रहे हैं। सम्यक 2013 में लॉन्च हुआ था, जो कि जयपुर बेस्ड कंपनी है और इस समय वर्ल्ड वाइड इसकी काफी सारी ब्रांचेस हैं। और कॉन्सेप्ट लाइव जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं 2019 में लॉन्च है और इसको हम ऑलरेडी इस समय अच्छे तरह से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। जहां तक हमारी प्रेजेंस की बात है तो सम्यक और कॉन्सेप्ट की मिलाकर के काफी अच्छी प्रेजेंस है, ये सारे सिटीज में हमारे ऑफिस हैं और हमारे एग्जीक्यूशन चालू है वहां से। इसके अलावा ऑनलाइन तो हम वर्ल्ड वाइड क्लासेस ले रहे हैं, इस समय हमारे पास स्टूडेंट्स दुबई में भी है, हमारे पास स्टूडेंट्स साउथ में भी है, सऊदी में भी है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हमारे पास पढ़ रहे हैं, प्रीमियम क्लाइंट्स भी हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो आप भी उनको बेसिकली बच्चों को कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पास जो स्टूडेंट्स है, कैसे हम आगे बात करेंगे। तो व्हेन आई से डू इट नाउ, तो ये नाउ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अभी क्यों करना है। देखिए कोई भी बिजनेस सबसे पहले जब आता है तो वो सबसे ज्यादा अच्छा चलता है, तो ये बिजनेस हम सबसे पहले लेके आए। इस समय इंडिया में लाइव क्लासेस देने वाला कोई भी नहीं है, ज्यादातर या तो रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं या फिर आपको क्लासरूम और लाइव क्लास दे रहे हैं, यानी कि कुछ दिन तक लाइव क्लास दे रहे हैं बाद में आपको क्लासरूम में पढ़ाएंगे। तो सिर्फ लाइव क्लास का कॉन्सेप्ट देने वाला हमारे ब्रांड के अलावा कोई भी ब्रांड नहीं। तो हम प्रीमियर हैं, हम पहले हैं, जो पहला होता है वो हमेशा रेस जीतता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ चलने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली रेस में ऑलरेडी विन करेगा।
तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। तो नियर फ्यूचर ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, कोई और ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन आर होम लॉक्ड, आज जितने भी हमारे बच्चे हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं सबके सब घर में बंद है। कई बच्चे तो तीन तीन चार चार महीने से घर से निकले ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स डरे हुए हैं, बच्चे खुद डरे हुए, तो बेटर है कि घर में ही रहो। तो उन सबको हमको ही सोल्यूशन देने हैं, अफोर्डेबल सोल्यूशन अवेलेबिलिटी। अगर मैं आपको 50,000 या 1,00,000 का एक सोल्यूशन दे दूंगा तो हो सकता है इंडिया में 5% लोग इसको खरीद पाए, पर जब मैं आपको 10,000 रुपए का कोई सोल्यूशन दे रहा हूँ तो इस समय आप समझ लीजिए इंडिया में हर कोई खरीद सकता है। अगर इस साल भर का यानी 1,000 रुपए महीने का एक सोल्यूशन बच्चे को मिल रहा है ऑन एन एवरेज, हम लेते हैं फीस लमसम ही है बट मान लीजिए एक एवरेज आउट करते हैं, तो 1,000 रुपए महीने का अगर एक बच्चे को सोल्यूशन मिल रहा है तो वाई नॉट, ही इज वेरी हैप्पी एंड ही विल डेफिनेटली बाय इट। टारगेट मार्केट की बात करें तो हम दो तरह का मार्केट सेगमेंट टारगेट कर रहे हैं। पहला मार्केट सेगमेंट है कि हमारा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल में पढ़ने के बाद में जब वो घर आता है तो उसको ट्यूशन की नीड होती है, एक्स्ट्रा हेल्प की नीड होती है। वो एक्स्ट्रा हेल्प की नीड हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू अवर ट्यूशन क्लासेस, लाइव क्लासेस। सेकेंड, हमने एक वैक्यूम देखा कि जितने भी स्कूल्स हैं, मान लीजिए इंडिया में आज की तारीख में 50,000 स्कूल है, मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन पता नहीं, मान लीजिए कोई भी 10,000 स्कूल है, उन 10,000 स्कूल में से 2,000 स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, जिनके पास फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इंटरनेट बहुत अच्छा है और वो लाइव क्लासेस चालू कर चुके हैं। बट जो बाकी का 80% सेगमेंट है, उनके पास आज की तारीख में लाइव क्लासेस अच्छी फैकल्टी से दिलाने का कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास वहां जाने की एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हम स्कूल से ही जुड़ करके और स्कूल के बच्चों को ही डायरेक्ट पढ़ाने लग जाएं उनके माध्यम से। तो ऐसे कई सारे स्कूल हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं जिनके स्टूडेंट्स को हम डायरेक्टली अपने स्टूडियो से लाइव होकर के स्कूल में क्लासेस दे रहे हैं। तो दो तरह की बात मैंने करी आपसे, एक तो हम स्कूल से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के स्कूल टाइम में स्कूल के बच्चों को स्कूल प्रिंसिपल के परमिशन से पढ़ा रहे हैं, दूसरा बिना स्कूल टीचर बिना स्कूल के जानकारी के हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं शाम को 3 से 8 बजे तक आफ्टर। दोनों तरह का मार्केट में बहुत अच्छा है, हम ऑलरेडी इन पे वर्क कर रहे हैं और काफी अच्छा हमारा क्लाइंटेज ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। स्मॉल बैच साइज है, आप 300-400 बच्चों को एक बैच में बिठा देंगे तो क्या तो वो सवाल पूछेंगे और क्या वो समझ पाएंगे, कभी भी आज तक इस तरह का पॉसिबल हुआ नहीं। बट जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनमें आप जाके देख लीजिए, आप माइक लगाए बिना आप स्पीकर लगाए बिना वहां 300-400 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे सीख पा रहे हैं कितने नहीं सीख पा रहे आई एम नॉट श्योर। मेंटर फॉर एवरी स्टूडेंट, व्हाट इज मेंटर फॉर एवरी स्टूडेंट, हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो 12th में बहुत अच्छा कर चुके हैं, IIT में बहुत अच्छा कर चुके हैं, नीट में बहुत अच्छा कर चुके हैं, तो हमारे जो एकेडमिक डायरेक्टर मिस्टर भूपेंद्र मिट्टा है उनकी सोच ये है कि मेरे हर स्टूडेंट को मैं एक सफल स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा, व्हाट्सएप पे कॉल पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा और उस बच्चे को मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाला मेरा वो सफल बच्चा होगा, मेरा वो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट से कनेक्टेड रहेगा तो उसको गाइड कर सकेगा, भाई तेरे को IIT में आना है या नीट में आना है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो मेंटरशिप हम हर बच्चे को प्रोवाइड करना चाहते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, तो दैट इज व्हाट मेंटरशिप इज ऑल अबाउट। देन कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एज आई सेड दैट वी आर यूजिंग। बड़ा अच्छा कॉर्ड से हम शुरुआत करते हैं बिफोर वी गो टू फाइनेंशियल्स, दैट कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग। आज हम लोग मिलकर के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स अ बिगिनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। हो सकता है आप में से कुछ लोग आज कन्वर्ट हो, कुछ लोग सिर्फ हमसे कनेक्टेड रहे, तो स्टेइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। तो जो लोग हमारे साथ आज जुड़ जाएंगे वो सक्सेसफुली हमारे साथ आगे काम करने लग जाएंगे, तो ऐसा हेनरी फोर्ड जी ने कहा है, तो वी फाउंड इट गुड एंड वी थॉट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। राइट पार्टनर्स की मैं बात करूं कि कौन से लोग जो इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं या फिर इस बिजनेस के लिए आइडियल कैंडिडेट्स हैं, हु आर पैशनेट अबाउट एजुकेशन, आपको लगता है कि एजुकेशन में बहुत मजेदार काम हो सकता है, बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को मजा आना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, अफोर्डेबल मिलना चाहिए, तो एक पैशन हो गया कि यार एजुकेशन को है ना बढ़िया प्रोवाइड करानी है मुझे बच्चों को, मेरा ये दिल से आवाज आ रही है, दैट इज पैशनेट। हैव सोशल इन्फ्लुएंस और कनेक्शन बिजनेस के लिए, अगर आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क है उतना ज्यादा आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, तो इफ यू हैव सोशल इन्फ्लुएंस और आपके कनेक्शन से तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। कैन कोलैबोरेट विद स्कूल्स, आपको लगता है कुछ 2-4 स्कूल से या 10-20 स्कूल से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली जब बिजनेस ही स्कूल्स का है या स्कूल स्टूडेंट्स का है तो डेफिनेटली यू कैन डू ग्रेट बिजनेस इफ यू कैन कनेक्ट और कोलैबोरेट विद स्कूल्स। हु वांट ए बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब आप
इस समय कोविड एरा में कोई भी व्यक्ति 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके बिजनेस नहीं करना चाहेगा। उसको बोलोगे ऑफिस खोल के बैठ, 10 लाख रुपए का खर्चा है, कोई भी नहीं करना चाहेगा मोस्ट लाइकली। तो आपको बिजनेस ऐसा चाहिए कि जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो, नील के बराबर हो, बट फिर भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी हो। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। व्हाइट कॉलर एंड रिस्पेक्टेबल जो वो बेसिकली आप ये नहीं चाहते कि जाके खेती करें या मजदूरी करें या फिर कोई इस तरह का काम करें जहाँ पे आपको परेशानी ज्यादा हो रही है, गंदगी ज्यादा हो रही है। तो बेसिकली आप चाह रहे हो व्हाइट कॉलर रिस्पेक्टेबल जो विच इज एजुकेशन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वॉन्ट टू स्विच टू एजुकेशन डोमेन। आप हो सकता है कुछ और काम कर रहे थे आज तक, बट अब आप स्विच करना चाह रहे हैं एजुकेशन डोमेन की तरफ, तो वो भी एक आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई अभी तक तो मैं जो है कुछ स्पेयर पार्ट्स बेच रहा था या मोटर पार्ट्स बेच रहा था, बट अब मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ। वर्क फ्रॉम होम, आपको मैंने जैसा बताया इस समय अगर आप चाहते हैं दुकान खोल करके दुकान पर सुबह 8 से रात को 8 बजे तक पहले, थोड़ा सा टफ हो जाता है, कोई बात नहीं, आप वर्क फ्रॉम होम भी इसमें कर सकते हैं अगर इनसे ऊपर से वाली चीजों में से कोई भी चीज आपको सूट करती है। LMS जिसकी मैं आप बात कर रहा था कि बेसिकली हमारा स्टूडेंट हमसे फोन पे या व्हाट्सएप पे नहीं कनेक्ट हम करते हैं, हमारे को चाहे बच्चे को लाइव क्लास देनी हो, चाहे उसको असाइनमेंट्स देने हो, उसको लाइब्रेरी देनी हो, उसको एग्जाम कराना हो, उसको कोई भी चीज देनी है, तो हमारा सिंपल प्रोसेस है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ऐप बेस्ड है। आप चाहें तो उसको एंड्रॉइड पे यूज कर लें, चाहे तो आईफोन पे यूज कर लें, चाहे तो वेब पे यूज कर लें। तो हर व्यक्ति के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सोल्यूशन है, वो और उसका पेरेंट थ्रू LMS हमसे डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा, उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली LMS के थ्रू जाने वाली है। अब मैं आपको एक प्राइस लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मैंने प्राइस लिस्ट आपको अलग अलग बताई थी, बट ये कंसोलिडेटेड प्राइस लिस्ट है जिसको आप एक बार रिव्यू कर लें कि मान लीजिए 6th to 8th क्लास का बच्चा है जो कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है, व्हेन आई से अल्टीमेट इट इज ऑल अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स, तो 6th to 8th का बच्चा है जो अल्टीमेट का मतलब ऑल सब्जेक्ट्स करना चाहता है, तो उसकी फीस होती है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए फीस में से आपको डायरेक्टली 30% आपका शेयर मिल जाता है, विच इज 5,000 रुपीज। तो छठी से आठवीं क्लास के बच्चे का अगर हम एक एडमिशन लेते हैं एक बच्चे का, तो पर स्टूडेंट एक 5,000 रुपीज की हैंडसम अर्निंग हम जनरेट कर लेते हैं। सिमिलरली 9th to 10th की बात करें तो ऐसे कैसे ये 11th 12th, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आराम से समझ सकते हैं। मेनली अभी आप क्या समझना चाहते हैं कि इसमें अर्निंग कैसे होती है, राइट? तो इसमें ऑलमोस्ट 1/3 to 30% हमने अर्निंग का ब्रैकेट रखा है, ये ब्रैकेट है, तो ऑटोमेटिकली आपको इस अमाउंट के एडमिशन पे इतना अमाउंट आपका इंसेंटिव एड हो जाता है जो कि आपको इमिजिएटली दे दिया जाता है। अब मैंने 3 इलस्ट्रेशन बनाए आपकी सुविधा के लिए कि 3 तरीके से अगर आप काम करते हैं तो कितना रुपए आपको एक प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे हॉबी अर्निंग, इसको मैंने हॉबी अर्निंग क्यों बोला है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ऐसे हॉबी अर्निंग, तो ये उस तरह की अर्निंग है जिसमें आप सीरियसनेस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, लोगों से आप बात नहीं कर रहे हैं, आपने व्हाट्सएप अपना स्टेटस लगा दिया, आपने फेसबुक पे आपने शेयर कर दिए कुछ क्रिएटिव्स, आपने अपने कुछ जान पहचान के लोगों से बात करी जो स्टूडेंट्स है, और उनको बोला बेटा ये डेमो क्लास लेके देखो, आपको अगर पसंद आए तो आप एडमिशन लेना, तो फोर्स नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं इसको हॉबी की तरह काम में ले रहे हैं, आप सीरियसली जाकर के इसको रेफरेंस और बच्चों से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ 5-5 बच्चे भी अगर हर क्लास में हम एडमिशन ले लेते हैं तो भी इतनी इनकम हमारे को जनरेट हो जाती है, और हमारा 1,72,500 रुपए का हैंडसम अमाउंट हमारा प्रॉफिट, यानी कि आपका प्रॉफिट एज ए बिजनेस पार्टनर 1 महीने का जनरेट हो जाता है। तो अगर जुलाई के महीने में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ फॉर दिस बिजनेस, सिर्फ 5-5 बच्चे भी आप एक एक क्लास में डाल देते हैं, तो 1,72,500 रुपए आपको सीधे सीधे प्रॉफिट मिल जाता है, विच इज एन हैंडसम इनकम, जिसमें कि आप 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हैं पहले, और आपको कहीं भी इसमें मार्केटिंग भी करने की जरूरत नहीं है। आपने फेसबुक व्हाट्सएप पे सिर्फ अपना शेयर कर दिया जो हम क्रिएटिव आपको दे रहे हैं, हो सकता है उससे आपको खूब बच्चे मिल जाए, हमको तो काफी बच्चे ऐसे रेफरेंस ही मिल रहे हैं। दूसरे तरह की बात करते हैं रेफरल अर्निंग। व्हेन आई से रेफरल अर्निंग, मैं जो कर रहा था मैंने वैसे अपने 5-6 लोगों को और बोला, मेरी मैं अगर मेरे स्पाउस को बोल दूं, मेरे बच्चों को बोल दूं, मेरे फ्रेंड्स को बोल दूं, मेरे ब्रदर को बोल दूं कि भाई तुम्हारा व्हाट्सएप पे भी इसको शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो मैंने जो शेयर किया है, तो मुझे ऑटोमेटिकली बच्चों का अकाउंट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मैं बच्चों का अकाउंट 5 से 10 पे आ जाता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली 3.5 लाख रुपए की हैंडसम इनकम जनरेट करने लग जाता हूँ, विच इज ग्रेट। तो जब 3.5 लाख रुपए की इनकम में सिर्फ 10 बच्चों से जनरेट कर सकता हूँ तो इट मैटर्स। इसके लिए मुझे करना क्या है, मेरा व्हाट्सएप मेरा फेसबुक तो एक्टिव रखना ही है, उस पर तो मैं शेयर कर ही रहा था एज एन हॉबी इनकम, बट अब मैंने क्या करा, लोगों के पास पहुंचना शुरू किया कि यार तेरा भी कर दे, तेरे पे भी कर दे, लोगों से फोर्सफुली शेयर कराना शुरू किया, लीड्स जनरेट करना शुरू करी। तो आप सिंपली इसको घर बैठे इतना रेफरेंस बिजनेस जनरेट कर सकते हैं।
अब आप कहते हैं कि नहीं मैं सीरियसली करना चाहता हूँ. व्हेन आई से सीरियसली, सीरियसली का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं एजुकेशन में या किसी भी तरह का, प्रॉपर आप दुकान पे बैठ के या आप कम से कम 10 से 12 घंटे देख करके स्कूल्स में मिल रहे हैं, कुछ लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं, लीड्स पे कॉल कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि आप आराम से कुछ 100-100 बच्चे जनरेट करके दे देते हैं इस पे, तो एक 35 लाख रुपए की बहुत ही हैंडसम इनकम आप जनरेट कर सकते हैं. आप 100 की जगह 50 भी हो सकता है और 35 की जगह 17 भी हो सकता है. मान लीजिए आप 100 नहीं कर पाए, आपको लगता है 50 ही बच्चे कर पाए, तो कोई बात नहीं, आप 35 लाख की जगह 17 लाख रुपए ले लेंगे, क्या फर्क पड़ गया. 50 की जगह 25 ही कर पाए तो भी 17 का आधा आपका 7.5-8 लाख रुपए कितना हो गया, मेरे ख्याल 8.5 लाख रुपए हो गया. तो 8-8.5 लाख रुपए की एक हैंडसम इनकम फिर भी जनरेट हो जाती है. कितना वॉल्यूम आप लेके आ पाते हैं वो आपके ऊपर है, जितना सीरियसली आप उसका करेंगे उतना सीरियसली आपके पास रेवेन्यू और इनकम जनरेट हो जाता है. तो अगर पार्टनर्स की हम बात करें तो पार्टनर का इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल निल इन्वेस्टमेंट है. लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए, ऑलमोस्ट सबके पास होता है. क्यों चाहिए, क्योंकि आईटी का बिजनेस आप कर रहे हो तो डेस्कटॉप आपके पास हो तो अच्छा है, अपने नंबर वगैरह डाल के फॉरवर्ड कर सकते हो डिजाइनिंग वगैरह पे. तो ये छोटी मोटी चीजें अगर आपके पास हो तो अच्छा है. स्मार्टफोन मोस्टली आप सबके पास है, हमारे पास है, तो स्मार्टफोन को यूटिलाइज करके LMS दिखा सकते हो आप लोगों को. LMS पे आप खुद लॉग इन कर सकते हो, किसी की क्लासेस शेड्यूल वगैरह करनी वो कर सकते हो. तो बेसिकली आप कई चीजों में उसमें बच्चों को फ्री हैंड हेल्प कर सकते हो. तो अभी तक जो हम फ्रेंचाइजी फीस ले रहे हैं लोगों से, पार्टनर फीस ले रहे हैं, वो 51,000 रुपए है. बेसिकली हम करते क्या है कि आपका एक फॉर्म फिल कर देते हैं. उस फॉर्म के थ्रू जब बच्चा, जब आपके यहाँ से कोई पार्टनर हमारे यहाँ पे ऐड होता है, तो उस पार्टनर को ऐड होते ही कहीं ना कहीं हमारे पोर्टल पे उसकी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, वरना स्टूडेंट या स्टूडेंट का पेरेंट आपको विश्वास नहीं करेगा. तो हम क्या करते हैं, जो फ्रेंचाइजी फीस आप देते हो उसके बाद आपकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अपलोड हम करते हैं. उस डिटेल्स के सहारे आप किसी भी बच्चे को आप हमारा बिजनेस प्रमोट कर सकते हो और ये कह सकते हो कि भाई यस आई वांट टू जॉइन यू. तो दैट फीस इज 51,000 रुपए. बट देन 51,000 रुपए में तो अभी हम इस बिजनेस को नहीं सेल आउट कर सकते, क्योंकि जिस पोर्टल पे आके हम आपसे बात कर रहे हैं फ्रेंचाइजी अप्लाई पे, तो यहाँ पे जो हमारी इनसे डील हुई है अशोक जी से, वो काफी रीजनेबल डील हुई है आपके लिए. तो हमने जो डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि सिर्फ आज के लिए इसी सेगमेंट को हम 7,500 रुपए में आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं. तो अगर आप 7,500 रुपए, आज पेटीएम नंबर आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, ये गूगल पे नंबर भी है, फोन पे नंबर भी है, आप इस नंबर पे ऑटोमेटिकली पेटीएम या कुछ भी करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं. और आज की तारीख में अगर आप 7,500 रुपए देते हैं तो 51,000 रुपए की चीज 7,500 रुपए में आपको मिल जाती है और इजिली आप इसमें हमारे पार्टनर बन सकते हैं. हमारी वेबसाइट पे आपकी डिटेल हम अपलोड कर देंगे. तो आई थिंक आई एम डन फॉर नाउ, बट वी कैन स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछिए. अशोक जी, ओके सर. डियर पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज हैंड इन चैट बॉक्स एंड कैन आस्क डायरेक्टली क्वेश्चन विद मिस्टर मनीष एंड मिस्टर गिरीश. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप डायरेक्टली मिस्टर मनीष जी से, मिस्टर गिरी जी से बात कर सकते हैं. यस मिस्टर रितेश. रितेश जी अनम्यूट करें अपनी तरफ से. आइए आवाज, आवाज आई. हेलो जी. हाँ राइट. यस सर. हाँ ये बताइए, ये लखनऊ के लिए भी है क्या आपके पास इसमें? सर ऑल ओवर इंडिया बेसिकली ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, इसमें बाउंड्रीज कंस्ट्रेन है ही नहीं. अच्छा तो जी. अच्छा इसमें जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस है तो ये इसमें जो हमको मार्केटिंग वगैरह जो करनी होगी वो मैं कैसे करूंगा? कोई हेल्प गाइडेंस कुछ रहेगा आप लोग की तरफ से? सर पूरी हेल्प गाइडेंस है. मैंने वही बताया कि इस फीस को देख करके आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं आपको रोज कुछ क्रिएटिव्स मिलते हैं, उसमें आपका नंबर खुद का आप लगा सकते हैं, उस नंबर को लगा करके आप फॉरवर्ड कर सकते हैं लोगों को. हमारी फ्रिक्वेंट Q&A सेशन रहते हैं आपके साथ, हमारे 2-3 नंबर आपके पास है, डेडिकेटेड बिजनेस मैनेजर आपको मिलता है जिससे कि आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपको सारा डिटेल बताती रहती है बार बार. जहां भी आपको स्टूडेंट कंफ्यूज है आप स्टूडेंट को उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि मैम ये स्टूडेंट इनसे आप बात कर लीजिए प्लीज. आपको जो डेमो क्लास करानी है उस डेमो क्लास को मैम के साथ कोऑर्डिनेट करके आप डेमो क्लास में बच्चों को डलवा सकते हैं. तो बेसिकली आपको पूरा एंड टू एंड सपोर्ट है. अच्छा
अच्छा अभी ऑल इंडिया में आपके कितने ब्रांचेस हैं वैसे, मतलब लॉजिकल ब्रांचेस? अभी तो आपका वैसे तो आपका ये ऑनलाइन है तो इस तरीके से तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ऑल इंडिया आपके कोऑर्डिनेटर्स, या जैसे अगर मैंने आपसे फ्रेंचाइजी ली तो मैं आपका एक तरीके से लखनऊ का हो गया फ्रेंचाइजी। तो अच्छा, आप एक सिटी में कितने लोगों को अलॉट करते हो? सर जहाँ तक देखिए ऑनलाइन क्लासेस का पॉइंट है, इसमें हम सिटीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये ऑनलाइन है। इसमें आपका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है कि 10 किलोमीटर में आप एडमिशन लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप लखनऊ में बैठ के जयपुर में भी एडमिशन ले सकते हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता हूँ इसमें। नहीं, ये देखिए वो तो स्टूडेंट की बात हो गई, स्टूडेंट तो कहीं का भी हो सकता है, वो एडमिशन ले सकता है। एक होता है ना कि अगर आप कोई काम करते हो और आपका आपके साथ तुरंत ही आपका राइवलरी पार्टनर्स बहुत सारे हो गए, तो वो बिजनेस से करने में थोड़ा धीरे धीरे उसमें मजा कम हो जाता है, क्योंकि यू वुड नॉट बी अटेंडिंग द बिजनेस, देयर वुड बी सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन, सो दैट वुड बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो एक माइंड सेट होगा आपका कि हम एक सिटी में चार से ज्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट नहीं करने देंगे, क्योंकि आपके जो बिजनेस मैनेजर होगा उसके ऊपर भी वर्कलोड पड़ेगा उस तरीके से। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये इसलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि मान लीजिए मैं मोस्ट टाइम स्कूल सेम पिन कोड पे हम दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं, तो एक 5 किलोमीटर की रेडियस हम मोस्टली लेके चलते हैं, सेम पिन कोड उस पे हम सेम फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि मान लीजिए आपने लखनऊ में फ्रेंचाइजी ली और आप जयपुर का बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपके रिलेटिव जयपुर में रहते हैं, तो उससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट लाइव क्लास, तो हम आपको रोकते नहीं है। वो तो रिलेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, आपका जो ये सर्वर है आप किस पे रहते हो? आप मतलब आप क्लाउड यूज कर रहे हो कि नॉर्मल कोई सर्वर यूज कर रहे हो? क्योंकि उससे लैगिंग होगी ना, अगर बच्चा पढ़ रहा होगा और उसमें लैगिंग आएगी तो दिक्कत आएगी ना बहुत सारी। सर बहुत हाई एंडेड, आपने देखा आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद इसमें इन्वॉल्वड है। बेसिकली जो हम सर्वर यूज कर रहे हैं वो मोस्ट लाइकली इट इज मोर ऑफ लाइक जूम, जो कि इस समय सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर आप देखेंगे कॉन्फ्रेंसिंग में है, तो उस तरह के क्लाउड बेस्ड सर्वर हम यूज कर रहे हैं। जो हमारे पार्टनर्स हैं टेक्निकल पार्टनर, वो बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है इस समय इंडिया में, उनके पास ऑलरेडी 550 क्लाइंट्स हैं और करीबन 3 लाख स्टूडेंट्स उनसे पढ़ रहे हैं उस इंटरफेस पे। तो आप क्लाइंट का नाम बताना शेयर करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, वो आपके ऊपर है। आप हमारे ही नाम अभी ध्यान रखेंगे सर, बस बाकी डिटेल फिर बाद में दी जाएगी। ठीक है ठीक है, तो अभी हम आपसे अगर कांटेक्ट करना हो तो किस नंबर से, ये जो ऊपर नंबर फ्लैश का था इससे मिलेंगे? 9549475 नंबर ये आ रहा है आपके सामने, इस नंबर को प्लीज नोट कर लें आप, इसके स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं 7413802777, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। वेबसाइट पे भी यही नंबर है, वेबसाइट पे व्हाट्सएप वगैरह सब पे यही नंबर है। ये मैं बता रहा 3807773 times 7 7 3 times 7 हाँ 3 times 7 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 3 times
ठीक है सर, हो गया। थैंक यू रितेश जी। रितेश जी प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। मैंने डाल हेलो। यस सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड पे क्लिक कर दें, या फिर आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। और प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, आपका एंड आपका नाम चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। थैंक्स मनीष जी। वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इंदौर। मिस्टर राजू नायर का क्वेश्चन है, ही वांट्स टू नो दैट हाउ विल यू प्रोवाइड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको वाया जूम और वाया अदर वेब इंटरफेस हम आपको देंगे, और इसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग तो
स्टूडेंट और टू बिजनेस पार्टनर राजू जी? बिजनेस पार्टनर ट्रेनिंग, तो बिजनेस पार्टनर ट्रेनिंग तो हम आपको जूम के थ्रू, फोन के थ्रू और कुछ स्लाइड्स के थ्रू ऑटोमेटिकली देंगे आपसे। इनफैक्ट एक ट्रेनिंग में काम भी नहीं होगा, रेगुलरली जैसा मैंने आपको बताया एक बिजनेस मैनेजर आपके साथ एसोसिएटेड रहेगी फॉर एवर, तो आप उनसे रोज इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स की बात करा सकते हैं, पेरेंट्स की बात करा सकते हैं, खुद आप डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं, बच्चों को डेमो करवा सकते हैं, तो इट विल बी ऑनगोइंग प्रोसेस। तो वो तो हम आपसे बहुत रेगुलर और फ्रिक्वेंट कनेक्ट रहने वाले हैं। थैंक्स सतीश जी। एंड सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर सुदीप गोसाई लखनऊ से, वो जानना चाह रहे हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ कोर्सेज आर यू प्रोवाइडिंग, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कोर्सेज सर बेसिकली मैं आपको बताऊं, 6th क्लास से 12th क्लास तक का बच्चा, 6th क्लास से 12th क्लास तक का बच्चा अपना क्लाइंट है इस समय, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो उसको हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो वो मेन मेन सब्जेक्ट्स पढ़ ले विच इज साइंस एंड मैथ्स, और उसकी एक साल की फीस 10,000 रुपये, यानी एग्जाम जब तक वो देता है जब तक 10,000 रुपये उसको देने हैं, या फिर वो ऑल सब्जेक्ट्स कर ले और उसको साल भर के 15,000 रुपये दे देने, 6th से 8th क्लास तक। 9th और 10th क्लास में हम आ जाते हैं तो सेम फीस है, सिर्फ मेंटल एबिलिटी जो सब्जेक्ट था उसकी जगह कंप्यूटर साइंस हो गया, बाकी साल के 10,000 रुपये कोर सब्जेक्ट्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए 15,000 रुपये। 11th एंड 12th पे हम आ जाते हैं तो क्योंकि सब्जेक्ट 2 से 3 हो गए, साइंस टूट गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो हमारी फीस 15,000 रुपये हो जाती है, और करते हैं तो फीस 20,000 रुपये हो जाती है। ये सारी की सारी फीस सालाना है, महीना नहीं है, एक साल का पैसा है ये, जब तक बच्चा एग्जाम देने नहीं जाएगा तब तक हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन सर? यस सर, यस मनीष जी। सर वी आर लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर मनोज भार्गव जोधपुर से, वो जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर मास्टर फ्रेंचाइज फॉर जोधपुर लोकेशन एंड व्हाट विल द कॉस्ट। सर मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए मे बी वी कैन टेक द नंबर ऑफ सर एंड देन वी कैन डिस्कस लिटिल लेटर। मास्टर फ्रेंचाइजी का सर हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे स्पेशली फोन पे, क्योंकि इसका बहुत डिफरेंट प्रोसेस है और इसकी फीस वगैरह भी सब डिफरेंट है। तो अशोक जी अपन आफ्टर द वेबिनार वी कैन डिस्कस विद द मनोज जी। राइट सर। एंड वी हैव टू क्वेश्चंस, लेकिन दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। क्वेश्चंस है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कोई भी चैनल पार्टनर बनना चाहेगा कॉन्सर्ट लाइफ के लिए तो फाइनेंशियल क्या रहेगा चैनल पार्टनर बनने के लिए, प्लीज वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सिर्फ 7,500 रुपये आपको देने हैं, इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है। ये 7,500 रुपये देकर के आप हमारे चैनल पार्टनर बन जाते हैं, आपका वेब पे सारी डिटेल आ जाती है, सारे क्रिएटिव्स वगैरह आपको मिलने लग जाते हैं, आपके खुद के ब्रांड नंबर से आपके आपके खुद के नंबर से आप फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, एंड दैट्स इट। हम कोई आपसे ना तो एड्रेस मांग रहे हैं आपका जो हमारे लिए इस समय जरूरत है, ना आपका कोई ऑफिस होने की आवश्यकता है, इट्स ऑल लाइव ऑनलाइन। Only 7,500 rupees lump sum overall. Thanks, Anishji. Dear participants, if you have any query, any question, please raise hand in chat box and you can ask your question directly with Mr. Manish Mittal and Mr. Ganesh. और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर ड्रॉप कर दें। समिस्टर हिमांशु सोनी है, उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूएसपीज ऑफ कॉन्सर्ट लाइव, लेकिन पहले हम क्वेश्चन लेना चाहेंगे मिस्टर बापू, वन मिनट। सर प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। यस सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हेलो, यस बापूजी, हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो, यस
यस सर वी कैन हियर यू, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हाँ सर, अगर वो एक स्टैंडर्ड का लेना होगा तो कैसा होगा? आगे अभी समझो 12वीं क्लास में है तो उसका कैसे फीस रहेगा? 12वीं क्लास में है तो उसको क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी? हाँ सर, 15,000 रुपए रहेंगे साल भर के. अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई भी एक सेगमेंट लेता है, ऑल सब्जेक्ट करना है तो 20,000 रुपए रहेंगे. नहीं वो तो हमारा 11वीं और 12वीं दोनों का है ना सर. अगर वो सिंगल क्लास में अभी वो 12वीं पे गया है तो उसको 11वीं का कोई जरूरत नहीं ना, तो उसमें फीस जो है वो अपनी जो वो दोनों का मिला के नहीं है. कोई भी क्लास होगी तो उसका वही है, 11th या 12th है. सिमिलरली जो 6 टू 8 थे वो तीनों साल का नहीं है. 6th का 10,000 अलग से, 7th का 10,000 अलग से, 8th का 10,000 अलग से. ओके 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 सर, ओके थैंक यू. हेलो हेलो हेलो. हाँ बताइए सर, रितेश जी बताइए. अच्छा सर एक चीज बताइए, ये जो जो टीचर्स हैं ये कि आप मैं वीडियो पे हूँ कि मैं नॉट वीडियो पे हूँ? अच्छा मैंने बंद कर रखा था वीडियो, सॉरी. ठीक है. अच्छा ये बताइए जो टीचर्स होंगे उनका क्वालिफिकेशन वगैरह कैसे, मतलब पता चलेगा कि हाँ ये अच्छे टीचर हैं? या बच्चा मान लीजिए बच्चा एक किसी टीचर से पढ़ रहा है, टीचर ए से पढ़ रहा है और उसको उसका पढ़ाई पढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो फिर क्या उसके लिए पहले टीचर होता है क्या, टीचर बी या टीचर सी या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है? देखिए सर कुछ मैं आपको वही बता रहा हूँ, बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन देने की जगह उसको डेमो क्लास में लेके आइए, उसको अपने फील करने दीजिए कि किस क्लास में मैं जा रहा हूँ, मेरे को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है. दूसरी बात, हमारे पास जितने भी टीचर है वो मिनिमम से मिनिमम इंजीनियर्स हैं या फिर 10 से 11 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है और उन लोगों के बच्चे IIT नीट फाउंडेशन में ऑलरेडी सेलेक्टेड है. तो अभी देखिए हमारा भी फर्स्ट ईयर है तो आपका भी फर्स्ट ईयर है, तो हम किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. एक एक टीचर की सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए महीना है, वो टीचर पढ़ा रहे हैं. सर स्कूल टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे हमारे यहाँ, 15,000-20,000 रुपए सैलरी वाले लोग नहीं पढ़ा रहे हैं. ये लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहे हैं जो कि अपने आप में IIT नीट की तैयारी करा रहे हैं, वही फैकल्टीज यहाँ कॉन्सेप्ट लाइन में पढ़ा रहे हैं. नहीं नहीं जी, स्कूल्स के बच्चों की मैं बात करता हूँ, जैसे जो स्मॉल स्कूल्स के बच्चे होते हैं 7th, 8th, 9th, 10th वहाँ पे जो बच्चे होते हैं बड़े फ्लिकर माइंड बच्चे. सर स्कूल टीचर्स हमारे यहाँ एक भी नहीं पढ़ाएंगे, सारे के सारे IIT नीट वाले ही फैकल्टीज हमारे पास हैं या जो इंजीनियरिंग कॉलेज IITs में पढ़े हुए उनके स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, उन लोगों से कनेक्टेड फैकल्टीज ही हमारे पास है. ओके. और जो जैसे पेरेंट्स के पास जाता है मैसेज या आपका बच्चा क्या अपडेट है, समय कितना पढ़ा है, होमवर्क किया है कि नहीं, वो सब आप लोग मैनेज कर रहे हो साथ में? बिल्कुल सर, LMS के थ्रू वो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन पेरेंट के पास है, उसका टेस्ट एनालिसिस, किस में उसकी स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक में वो लो पढ़ रहा है, बच्चे को हम स्पेशल उसको डाउट क्लासेस इसीलिए दे रहे हैं, रिविजन क्लासेस इसीलिए दे रहे हैं, वन ऑन वन पेरेंट टीचर मीट हम दे रहे हैं बच्चे को कि वन ऑन वन कैसे बच्चे को उनको कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. इवन उसके न्यूट्रिशन लेवल की हम कई बार बात कर देते हैं बच्चे की, क्यों उसको एग्जाम से डर लग रहा है, क्यों क्लास में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों पबजी ज्यादा खेल रहा है, वी डिस्कस टू दैट लेवल. अगर आपने हमारी मास्टर क्लास अटेंड करी हो, संडे अल्टरनेट संडे हमारी रहती है भूपेंद्र बिड्डा सर की, तो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को समझाते हैं और आप बच्चों का फीडबैक देखिए, सब हमारे वीडियोज है हमारे उस पर यूट्यूब पर डाले. अच्छा सर, इज देयर एनी टारगेट असाइंड फॉर द पर्टिकुलर जो फ्रेंचाइजी? नहीं कोई टारगेट नहीं है इसमें, अभी कुछ भी इस तरह की बात हम कर ही नहीं रहे. अच्छा, एंड एंड द अमाउंट दैट टुडे यू आर फ्लैशिंग फॉर कि जितना उतने पे, मतलब दैट इज द अमाउंट दैट यू आर फ्लैशिंग 7 है ना, दैट इज 5 दैट इज. अच्छा, एंड दैट हैज टू बी गिवन, मतलब वन सम और वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इन टू पार्ट्स और वी कैन क्रेडिट इट थ्रू द क्रेडिट कार्ड? This is nothing, sir. 7,000. हाँ, आप दो तरीके, आप सेम डे में 3-4 तरीके से देना चाहते हैं कि कुछ पेटीएम से कुछ कार्ड से, वो पॉसिबल है, पर देना that is 7,000 and पेपर वर्क विल बी कंप्लीटेड टुडे ओनली, अगर मैं आज देता हूँ तो. हाँ, आपको आपका जो सर्टिफिकेट है, आपको जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है प्लस आपकी जो वेबसाइट पे डिटेल्स हमको डालनी है वो आज हो जाएगा. आज हो जाएंगे. अच्छा, एंड फ्रेंचाइजी लेने वाले के लिए क्या मिनिमम डिटेल्स होनी चाहिए? एनी कोई डिटेल्स, कोई क्या क्या प्रूफ और क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स एक फॉर्म आपको देंगे सर, उसमें इंडिविजुअल भी हमारे साथ जुड़ सकता है और कंपनी भी जुड़ सकती है. आप चाहें तो एज एन इंडिविजुअल ऐड हो जाए और आप चाहें तो एज ए कंपनी ऐड हो जाए, बोथ दी वेज इट इज पॉसिबल. फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है.
अच्छा वी कैन मतलब एज एन इंडिविजुअल और वी कैन क्रिएट अ कंपनी और उसमें जीएसटी नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तो कुछ जरूरत नहीं सर, एज एन इंडिविजुअल आप जुड़ जाएं, अभी बाद में चाहे तो कन्वर्ट कर लें ऐसे कंपनी, अभी टर्नओवर होने दीजिए, अभी आप एज एन इंडिविजुअल जाएं कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, इन फ्यूचर अगर हम अगर कोई एज अ कंपनी ज्वाइन कर मतलब तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो हां वो कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा वन मोर लास्ट क्वेश्चन, दैट द पर्सन वो मैं जिनके लिए ले रहा हूँ, शी इज माई सिस्टर, तो बट शी इज ऑल्सो एन एम बी ए और उनके पास 6 से 7 साल का टीचिंग का एम बी ए में ही पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो दैट कैन शी कैन ऑल्सो बी एलिजिबल और शी कैन ऑल्सो टीच, और मतलब उनके पास टीचिंग का कुल मिला के 8 साल का एक्सपीरियंस है, 7 years अराउंड 6 years एज अ प्रोफेसर इन एम बी ए कॉलेज एंड 1 year एज अ कोऑर्डिनेटर इन अ स्कूल। पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है, तो वो हम सेकंड लेवल पे डिस्कस कर लेंगे, वो सारे डिसीजन जो हमारे चीफ मेंटर है मिस्टर भूपेंद्र मिट्टा वही लेते हैं। ओके, तो क्लासेस होंगी उसके बाद वो सर खुद डिसाइड करेंगे और आपको बता देंगे। ओके फाइन, ठीक है ठीक है, बिकॉज माई सेल्फ ऑल्सो इज एन एम सी ए एंड मेरे पास भी 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर इट्स इफ आई गेट अ पार्ट टाइम तो वो तो गुड है। ठीक है ओके सर, सो कैन अ पर्सन कैन सेंड मी एन ई मेल विद द फॉर्म एंड अदर थिंग्स, आई हैव गिवन द ई मेल एड्रेस। सर जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपके पास पूरा प्रोसेस जो हमारे पास बना बनाया मेल है आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं नहीं अभी एक मतलब व्हाट इज द डॉक्यूमेंट अबाउट द कंपनी, एटलीस्ट एक मेल वो वाली आ जाए आपकी तरफ से, मैं एक बार देख लूं फिर उसके बाद करता हूं। वेबसाइट को गो थ्रू करें आप, मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखाता हूं, आप सभी को इनफैक्ट देखना चाहिए एक बार वेबसाइट। दिस इज आवर वेबसाइट है ना, अल्टीमेटली ये व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, मैं लैपटॉप पे ही बैठा हूं, देख लीजिए सर, cbseconcepts.live cbseconcepts cb I cannot see the URL, that's why I am saying कि आप एक बार spell out कर दो तो मैं गिरीश जी आप टाइप कर देंगे आप अपनी वेबसाइट प्लस अपना जो नंबर है, आपकी आवाज नहीं आ रही गिरीश जी, इसमें आप मैंने कर दिया इनको ना उसमें चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में देखिए सर आप प्रॉपरली आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चैट बॉक्स ठीक है ठीक है, नहीं चैट बॉक्स cbseconcepts.live ओके डॉट लाइव पे है आप, ओके ठीक है इसमें आप देखेंगे ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सबको, एक और चीज वेबसाइट है इसमें सबसे ऊपर ही आपको जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिख रही है विच इज ए डेमो वीडियो पार्टनर है जो इस समय इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके थ्रू ही हम सब लोग आपस में मिल रहे हैं। ओके ओके आप ये देख रहे हैं जैसे कि एनिमेशन दिख रहा है, ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड जब हम यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। ये भावर सर हैं जिनको 11 साल से आईआईटी नीट फाउंडेशन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ये सब इंजीनियर्स हैं जितने भी वेबसाइट पे आप लोग देख रहे हैं, तो ये पढ़ा रहे हैं, इनकी आप आवाज सुन सकते हैं, इनकी आप क्लास देख सकते हैं और आप वो सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। नीचे अगर हम आएंगे तो आप इसमें देखेंगे ये सारी की सारी स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई यहाँ पे एज इट इज बनी हुई है, आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर नीचे आप आएंगे तो आपको फीचर्स दिखेंगे कि क्या फीचर्स हैं इस क्लासेस के, क्यों ये क्लासेस इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी यूनिक है, वो सारी आपको दिख जाएगी। नीचे आएंगे ये भूपेंद्र मिड्डा जी की फोटो है और सम्यक और कॉन्सेप्ट के क्या अचीवमेंट है प्रॉपरली यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है, वो आप देख सकते हैं। यू आर वर्किंग एज अ कंपनी और एज अ सिंगलहुड पर्सन एज अ और मतलब आप हमारी सर कंपनी है सर, जीएसटी कंपनी है और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड भी रजिस्टर्ड है, अगर आप एमसीए पे देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉर्पोरेशन पे तो भी हमारी सारी सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है ठीक सर, ज्वाइन होते हैं तो हमको आप मतलब अगर मैं किसी को बताती हूँ कि मैंने ये किया है आपके साथ ज्वाइन किया है तो उसके लिए कोई भी होगा सामने से ब्रोशर मांगता है चाहे वो स्कूल हो या कुछ भी हो किसी भी चीज का तो वो मिलेगा प्रॉपर ब्रोशर मिलेगा आपको। ओके और वो आपके आपके लेबलिंग से बना हुआ होगा, उसमें आपकी डिटेल्स रहेगी ताकि आप किसी को भी देंगे तो वो हमसे नहीं आपसे कांटेक्ट करेंगे ताकि हमको पता लगे वो आपके थ्रू आया। अच्छा आप लोग रोबोटिक्स भी बता रहे हो बच्चों को करा रहे हो कि सिर्फ आप टीचिंग पे ही हो अभी? क्या सर आप रोबोटिक्स वगैरह भी करा रहे हो बच्चों को, जैसे आजकल एक्स्ट्रा करिकुलम में बहुत सारे रोबोटिक्स वगैरह एबेकस वो सब चीजें भी हम कराना चाह रहे हैं, अभी राइट नाउ हमारे बकेट में नहीं है बट ये हमारा प्लान है, समर में उसको भी लॉन्च करेंगे। ओके ठीक है ठीक है, चलिए मैं आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। और क्या आप लोग इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी रखते हो या सिर्फ सिर्फ आप वो रखते हैं टीचिंग रखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक जैसे
जैसे स्पीचेस वगैरह हो गए, बोलने का ही बेसिकली? मैम इसमें तो प्राइमरीली एकेडमिक्स है प्लस मास्टर क्लासेस जो हमारी हो रही है अल्टरनेट संडे पे जो भूपेंद्र मिट्टा जी ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था, उसमें वो मोटिवेशन और कनेक्ट होकर के स्टूडेंट से काफी सारी उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की पबजी को कैसे छोड़े, मोबाइल पे कैसे अपन एडिक्शन खत्म करें, या स्क्रीन कैसे यूटिलाइज करें, या फिर इफेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग कैसे हो सकती है, तो वो हम अल्टरनेट संडे पे कुछ क्लासेस लेते हैं इस तरह की, विच इज वेरी एफिशिएंट। ओके सर, थैंक यू, मैं कनेक्ट करता हूँ आपसे। ईमेल पे पहले मैं सेंड करता हूँ एक ईमेल, एटलीस्ट ऑफिस में होगा ना जो रिस्पांस करेगा, इमीडिएट आ जाएगा सर आपके पास रिस्पांस। ऑफिस ऑफिस में कोई होगा ना जो मैं अगर ईमेल पे अभी हाय लिखता हूँ या कुछ भी होता है, ठीक है? ओके थैंक यू, थैंक यू रितेश जी, थैंक्स अ लॉट। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। If you have any query, any question, please raise hand in chat box and you can ask directly question Mr. Manish Mittal and Mr. Girish. And request to you all, please drop your contact number, your name in chat box. देखिए आपने अपना आधा से पौन घंटा एक घंटा दिया है, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, से right platform to ask, पूछिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। सवाल कैसा भी हो मैटर नहीं करता, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी इच्छा ग्रो करने की होनी चाहिए, आपकी इच्छा कुछ पैसे कमाने की होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा थोड़ी सी भी है तो हमारे घर के आसपास या हमारे रिलेशन में हमारे पास बच्चे नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स हर घर में है, हर किसी के पास है, आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। सवाल पूछिए और कनेक्ट होइए। सर मिस्टर गुरविंदर सूद का क्वेश्चन है जालंधर से, वो जानना चाह रहे हैं कि हाउ वी ट्रैक टू स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सर तीन तरह से मैंने आपको बताया था, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं। एक तो है हॉबी अर्निंग, हॉबी अर्निंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस रोज लगाते हैं, आपके पास 100 से 150 लोग कम से कम कनेक्टेड है, किसी के पास हजारों भी है, वो लोग स्टेटस जरूर देखते हैं। फेसबुक हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, पेड या फ्री कैसे भी करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके पास जो अपने घर में बच्चे हैं या रिलेटिव्स के बच्चे हैं उनका एक ग्रुप होता है, उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे मिनिमम हॉबी अर्निंग में तो आप इतना भी करेंगे तो भी आप 5-5 से ज्यादा बच्चे जनरेट कर लेंगे। फिर मैंने आपको बताया था रेफरल, रेफरल का मतलब मैंने आपको समझाया था कि आप अपने जैसे ही कुछ मित्रों से भी सेम काम करने के लिए बोलते हैं कि वो भी सेम तरीके से बच्चों को सोर्स करें और उनके थ्रू आप बच्चों तक पहुंच पाए, तो दैट इज थ्रू रेफरेंस यू आर रीचिंग आउट टू देम, है ना। और फेसबुक एड वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। एक सीरियस बिजनेस मैंने आपको बताया था, इसमें तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, लीड जनरेट करनी पड़ेगी, डेटा आपको चाहिए, मान लीजिए 10th का 12th का हमारे पास बहुत डेटा है आपके सिटी का, आपके राज्य का, हम आपको दे सकते हैं कॉलिंग, अगर आप घर बैठ के करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चों ने इस साल 10th दिया था या पिछले साल 10th दिया था उन सबका डेटा हमारे पास है, करीब करीब आप मान के चलिए 85,000 तो सिर्फ राजस्थान का है, तो बाकी के स्टेट्स का भी आप देख लीजिए कितना होगा। वो सारा डेटा जो भी आपके स्टेट का है, आपके सिटी का, हम इजीली आपको प्रोवाइड कर देंगे, उन पे कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, मुझे ये जानना था कि बच्चों को आप क्या फ्लेक्सिबिलिटी दोगे फीस सबमिट करने का, क्योंकि बहुत से इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है, एक साथ फीस तो वैसे भी नहीं कोई जमा कर पा रहा है, नॉर्मली स्कूल का ही नहीं जमा हो पा रहा है, और मैं स्कूल से जुड़ी हुई थी तो मुझे मालूम है कि बहुत दिक्कत होती है बहुत से पेरेंट्स को फीस जमा करने में, चाहे वो 10,000 रुपीज ईयरली हो या जैसा भी हो या 15,000 ईयरली हो, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता है। तो अगर एक स्टूडेंट पूरी फीस एक बार में नहीं कर रहा है तो उस केस में मेरा जो शेयर होगा वो आप कैसे दोगे? मैम देखिए हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, बच्चे का टोटल अमाउंट रिसीव्ड पे ही आपका शेयर है, आपका शेयर आप ध्यान रखिए अमाउंट रिसीव्ड पे ही है, तो अमाउंट उसका बच्चे का जब फुल रिसीव होगा उसके बाद ही आपका शेयर आपको मिलेगा। और अगर आप कहते हैं बच्चे को फ्लेक्सिबल आपको देना है उसको फीस, देखिए आप वन टाइम ही बताएंगे, पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं मेरे को नहीं है, या मेरे को एक महीने बाद देना है, 15 दिन बाद देना है, 5 क्लास के
देना है, तो मैंने आपको बताया एक बिजनेस पार्टनर हमारा जो है आपके साथ कंप्लीटली एसोसिएटेड है, मतलब आपके पास एक डायरेक्ट एसोसिएशन है, फिर आपके पास गिरीश जी हैं, हम लोग सभी लोग हैं, तो आपके पास कई सारे चैनल पे लोग हैं, आप केस बाय केस डिस्कस कर सकते हैं, पर बताइए सबको वन टाइम ही। मान लीजिए किसी की कोई सिचुएशन है तो अपन उसको डिस्कस करके उसको करेंगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, बिजनेस को नहीं जाने देंगे। मैडम एक और था मेरा पॉइंट ये है कि आपके साथ हमारा लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, इट्स नॉट कि इसी साल करना है और एक महीना करना है, दो महीना करना है, ईयर ऑन ईयर हम आपके साथ एसोसिएट रहेंगे और टाइम टाइम पे हमारे दूसरे प्रोडक्ट हैं, टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है, उन सब में हम आपको पहले ट्रेनिंग देंगे और आपको प्रायोरिटी मिलेगी। सपोज करिए सर, अगर कोई स्टूडेंट जो है आपकी ये 10,000 फीस जो भी आप दे रहे हो, सपोज करिए वो फर्स्ट मंथ में ज्यादा से ज्यादा 2,000 ही सबमिट करता है, तो उस केस में भी आप हमको ऑन द स्पॉट 30% उस 2,000 का देंगे, या जब तक कि वो 10,000 पूरी नहीं दे देगा तब तक कि मुझे मेरा शेयर नहीं मिलेगा? मैम केस बाय केस चीजें हैं, इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेते हैं, नंबर है ही आपके पास, उन पे हम बात कर लेंगे। विल इट वर्क? यस यस, ओके ओके, थैंक यू। और कोई सवाल है किसी का?